आज इस वीडियो में एक और रिव्यू करने वाले हैं एक और MI के बैग का, बैकपैक का। हमने पहले एक रिव्यू कर रखा है बैग के ऊपर जो 1000 रुपए की रेंज में था, जो ये था, ये वाले बैग का हमने रिव्यू करा था। इसकी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। आज हम इससे थोड़ा अपर वाली रेंज का रिव्यू करने जा रहे हैं और ये रिव्यू 1 साल यूज करने के बाद हमने धजिया उड़ा दी उस बैग की बहुत सारी और उसका एक एग्जैक्ट रिव्यू देंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस बैग को परचेज करना, इन दोनों बैग में से किसी को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाके देखो। तो इस बैग का हम रिव्यू करने वाले हैं, तो इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये 1500 की रेंज का है, 1600 रुपए का ये इस टाइम पे अवेलेबल है MI के स्टोर वेबसाइट पे और वो 1000 रुपए का था। इसमें और उसमें क्या फर्क है ये भी बात करेंगे। अगर वो वाला बैग आपको पसंद है, थोड़ी आपकी रेंज कम है, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ आई बटन पे भी आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा और जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो। आज इसके बारे में बात करेंगे और इसको यूज करते हुए 1 साल हो गया, तो इसकी क्या धजिया उड़ी, क्या बैग का रह गया वो भी देखेंगे। थोड़ा ये मटमैला सा लग रहा है, आप देख सकते हो। मैं दोनों बैग को एक साथ दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से है, इस तरीके के ये बैग है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा सा है। तो रिव्यू बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर क्या मटेरियल है, क्या डिटेल है। पीछे से एक ऐसा दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पे फोम लगा हुआ है, ये ऐसे स्ट्राइप इसमें दी गई है जो कि अच्छे से हैंग हो सके शोल्डर पे। यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग दिख सकती है, MI अर्बन लाइफस्टाइल इसका मॉडल है और अभी तक इसके ब्रांडिंग के लेबलिंग को कुछ नहीं हुआ। एक साल प्लस हो गया इसको बैग को और ये हमने एक्स्ट्रा लगा रखा है इसमें। इसकी एक जो धजिया उड़ी है वो सारी बात करेंगे, क्या क्या इसमें प्लस पॉइंट है और क्या क्या माइनस पॉइंट है, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए के बारे में भी बात करेंगे। तो रिव्यू करते हैं। इस तरीके से इसकी बैग की पूरी लुक है जो आप देख सकते हो, थोड़ा वाइट दिख रहा है, ग्रे शेड में, ब्लैक भी है, ये मैंने ग्रे मंगवाया है थोड़ा। और पीछे से कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ये पीछे से है और ऊपर टॉप में यहाँ पे चैन दे रखी है, एक चैन यहाँ दे रखी है, एक चैन यहाँ दे रखी है, एक बड़ी चैन यहाँ पे दे रखी है जो लार्ज चैन है और एक सेपरेटर यहाँ पे है। 4 सेपरेटर दे रखे है, 1, 2, 3 और 4। इसको खोल के दिखाएंगे तो पे सेम जो 1000 वाली रेंज में दे रखा था ये दे रखा है। बाकी इसका यही नुकसान हुआ है जो ये है, ये टूट गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ से ये टूट गया है, एक ये टूट गया है और यहाँ से भी ये एक टूट गया है, इस तरीके से टूट गया है। तो इसको टॉप का खोल लेता हूँ, टॉप में क्या क्या रखने का सामान है। यहाँ पे एक पॉलिस्टर आपको मिल जाएगा, पानी ज्यादा रहेगा नहीं, पानी हट जाएगा। यहाँ पे आप कुछ अपने कार्ड वार्ड रख सकते हैं, यहाँ पे अपनी ये चीज निकल गई है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे और चीज रख सकते हो आप, इसको टॉप से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ऊपर दो पॉकेट दे रखी है और यहाँ पे पूरी लार्ज पॉकेट दे रखी है। इसके बाद आप साइड में इसको ओपन करते हैं, मेरा यहाँ पे भी टूट गया है तो मैंने ये एक्स्ट्रा लगा रखा है ये इसके साथ, बैग के साथ। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे इतनी गैप की एक पॉकेट मिलती है आपको, ये नहीं है कि ये पूरी यहाँ तक है, ये यहाँ तक है खाली। और अंदर का मटेरियल भी काफी अच्छा है, 1 साल आपको हो गया लेकिन फिर भी आप देख सकते हो और ये डेली यूज हो रहा है, फिर भी मटेरियल इसका कहीं तस्ते मत नहीं हुआ, ना तो अंदर के जो मटेरियल होते हैं वो पूरे खराब हो जाते हैं। अब ये वाली साइड पॉकेट को खोलते हैं, इसका ये ऊपर का बस ये टूटा है, बाकी तो यहाँ पे भी ये पूरा का नया ही आपको देख सकते हो कि पूरा नया का नया पड़ा है। और यहाँ पे एक पॉकेट है यहाँ सनग्लासेस की जो है, और यहाँ पे एक जिप वाली मिल जाती है और इस जिप को भी कुछ नहीं हुआ है, यहाँ आप रख सकते हो अपना मटेरियल। जिप दिखा देता हूँ मैं, जिप भी अच्छे आयरन की जिप है ये। इसके बाद को भी क्लोज कर देते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर एक ये मजबूत आपको मिल जाएगा होल्ड करने के लिए और ये हैंग करने के लिए जो स्ट्राइप है ये मिल जाएगी। ये थोड़ी कड़क थी पहले, अब थोड़ी डाउन सी हो गई है। और अब इसके टॉप खोलते हैं, इसके जो मेन चैन है उसको खोलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टैब रखने के लिए, लैपटॉप रखने के लिए, इस तरीके से थोड़ा गंदा हुआ पड़ा है, हमने बहुत अभी इसको यूज कर रखा है। यहाँ पे लेबलिंग मिल जाएगी आपको, ये दिखा रखा है, ये मैक के लिए, ये टैब के लिए, और मटेरियल इसका काफी अच्छा है आज भी। इसको अभी बिल्कुल इसी कंडीशन में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जो कि आपको पता चले इसकी कंडीशन सच में अभी है क्या। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रख सकते हो, कुछ चीजें रख सकते हो आप, यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ कुछ रख सकते हो, ये 2 सेपरेट पॉकेट दे रखी है, यहाँ पे कुछ रख, और यहाँ पे पूरा ये ऐसे पूरा खुल जाता है इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आप रख सकते हो, 1600 की रेंज में है ये। बाकी और डिटेल आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कंपनी ने दे रखी है डिटेल इसके, इस प्रोडक्ट के बारे में। 4 सेपरेटर है इसके अंदर, 4 जगह आप सामान रख सकते हो, तो ये काफी अच्छा है, वर्थ इट है। 1600 रुपए की रेंज में, उस टाइम पे भी 1600 रुपए का था, 1500 का था, और 1500-1600 की रेंज में लिया था मैंने। बस इसके ये खराब हुए, ये टूटे जिप के, बाकी इसको बैग को कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने उसी कंडीशन में दिखाया जिस कंडीशन में ये था अभी मेरे पास, तो जो कि आपको और अच्छे से पता चल जाए। इसकी साइनिंग जो एक नई चीज की है प्रीमियम की, वो बिल्कुल अभी भी हटी नहीं है, बल्कि इसको वॉश वो करेंगे अच्छे से तो ये और अच्छे से चमकेगा, बट मेरे को आपको ऐसे ही दिखाना था। और इसका एक्सटर्नली पार्ट कुछ कहीं से खराब नहीं हुआ, आप देख सकते हो कहीं से कुछ खराब नहीं हुआ इसके, ये चीज या और कोई चीज नहीं
खराब हुई है या रिपेयर नहीं करवाई गई है तो वर्थ इट है ये आपका 3-4 साल तो आराम से निकाल देगा। ऑफिस बैग है, ट्रेवल बैग के लिए इतना वर्थ इट नहीं है, 1-2 जोड़े कपड़े रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। बाकी ऑफिस के लिए तो बेस्ट ही, अभी ऑफिस में यूज हो रहा है। ट्रेवल के लिए आपको और सारी चीजें भी रखनी पड़ती है, सॉक्स रखने पड़ते हैं, शॉर्ट्स रखने पड़ते हैं, पैजामा, ये सब अपने इनर वेयर भी रखने पड़ते हैं, तो काफी ज्यादा बल्कि हो जाता है अगर आप 2 जोड़ी भी ले जा रहे हो। उस चीज को देखोगे तो ये आपको बैग छोटा पड़ेगा, 1000 वाला फिर भी आपको थोड़ा बड़ा पड़ेगा, इसका जो छोटा मॉडल है जो 1000 रुपए का है, लेकिन ये उससे छोटा है और उससे प्रीमियम है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। तो यही बैग था, बैग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने बहुत सारी और वीडियो बनाई है बट के ऊपर, सबके ऊपर हमने बहुत सारी और अनबॉक्सिंग करी है, अगर और अनबॉक्सिंग की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो।